कन्या राशि वालों, अगर आपके घर में ना हो ये एक मूर्ति तो लगता है भयंकर दोष। क्या आपके घर में पूजा पाठ होने के बाद भी लड़ाई झगड़े होते हैं, कले कलेश रहता है? क्या पैसा आपके घर में आता तो है लेकिन पता नहीं कहाँ चला जाता है? क्या आपके बनते बनते काम रुक जाते हैं? कन्या राशि वालों, आज जो बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है मंदिर से जुड़ी जानकारी के अभाव में आपके जीवन में कुछ दोष लग रहे हो। हो सकता है आपके घर की सुख शांति उसी के कारण भंग हो रही हो। जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, मैं गुरु मां रुक्मिणी आपका स्वागत करती हूँ हमारे शनिपीठ मंदिर के इस कार्यक्रम में। ग्रहों की बात गुरु मां के साथ। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया चितुमिच्छते तस्य तस्याम चलाम श्रद्धाम तामेव विदध्याम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने सर्वस्व ईश्वर के निराकार रूप से कहते हैं कि जो भी भक्त जिस भी देवी देवता का, तीर्थ स्थान का, गुरु का या किसी सिद्ध स्थान का, किसी दरबार का जिस भी रूप में पूजन करता है, आस्था रखता है, उसकी भक्ति मैं परमेश्वर स्वीकार करता हूं। मान लीजिए आप माता लक्ष्मी की भक्ति करते हैं तो वो जो भक्ति है वो उस एक परमात्मा को, उस ईश्वर को जो कि निराकार है, उस तक पहुंच ही जाती है। जिस प्रकार से एक स्त्री विभिन्न रिश्तों को निभाती है, वो माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, पत्नी भी होती है, सास भी होती है, बहू भी होती है और न जाने कितने रिश्तों को निभाती है, और उन सब की जो डोर है वो प्रेम की डोर है, वो प्रेम ही उसे शक्ति देता है। वैसे ही वो निराकार ईश्वर स्वयं को देवी देवताओं के रूप में अलग अलग कार्यों को संपन्न करने के लिए विभक्त करते हैं, पर अंतिम जो प्रार्थना है वो उस परम ईश्वर को पहुंच ही जाती है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। बहुत से लोग हैं मेरे पास आते हैं कि गुरु माँ, अगर हमने इस देवी देवता का पूजन किया तो ऐसा तो नहीं कहीं दूसरे देवी देवता हमसे नाराज हो जाए? तो ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक है, तो जिसकी भी पूजा करो बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी जो अंतिम भक्ति है, अंतिम प्रणाम है, वो उस परम ईश्वर को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो एक है और वो ही एक है। अगर आपकी राशि सच में जन्म कुंडली के हिसाब से कन्या राशि है, वर्ग राशि है या लगन आपकी कन्या है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो रुझान है, आपका जो श्रद्धा है, वो स्वतः ही माता के किसी रूप की ओर बहने लगेगी। चाहे उनका रूप माता दुर्गा हो, माता लक्ष्मी हो, काली हो, सरस्वती हो, किसी भी रूप से आपको अटैचमेंट फील हो सकता है, लेकिन उनकी मूर्ति को घर में स्थापित करने से पहले कुछ नियमों का आपको ध्यान रखना होगा, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दोष ना सताए। अगर आप माता की कोई भी मूर्ति घर में स्थापित कर रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि माता का जो मुखमंडल हो, जो उनका चेहरा हो, वो प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए, यानी वो मुस्कुराते हुए आपको देखें। अगर आप माता दुर्गा को घर में स्थापित करना चाहते हैं तो उनके वाहन पर जरा गौर करें, वो शेर की सवारी पर बैठी है तो शेर का मुख जो है, मुंह जो है वो बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए और ना ही वो आक्रामक स्थिति में होना चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी की मूर्ति को घर में रखना चाहते हैं तो हमेशा ही उनके बैठे हुए मूर्ति को ही रखें, खड़ी हुई माता लक्ष्मी की मूर्ति को कभी भी नहीं रखना चाहिए। और एक गलती जो बहुत से गृहस्थी अपने घर में करते हैं वो है गणेश जी को माता लक्ष्मी के साथ स्थापित करना। दिवाली के दिन तो माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की ही जाती है, लेकिन विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ हमेशा होने चाहिए। चाहे आप उनका फोटो लगाएं, चाहे उनकी मूर्ति साथ में लगाएं, लेकिन माता लक्ष्मी को हमेशा विष्णु जी के साथ लगाएं। अगर आप माता लक्ष्मी की मूर्ति घर में स्थापित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो उल्लू की सवारी पे ना बैठी हो, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वो चंचला है, उल्लू की सवारी पर वो टिकती नहीं है और ना ही जब वो खड़ी हुई स्थिति में होती है तो भी टिकती है, इसलिए हमेशा बैठा हुआ ही उनका मूर्ति में, लेकिन उल्लू की सवारी पे बैठी ना हो। गज की सवारी मिल जाए तो बहुत उत्तम है, नहीं तो कमल के पुष्प पर बैठी हुई मूर्ति भी अति शुभ मानी जाती है।
माता लक्ष्मी का दीवार पर चित्र लगा हुआ उसकी पूजा ना करें। अगर आपने फैंसी केवल दीपावली पे वैसे लगा लिया है तो ठीक है, लेकिन पूजा करने के लिए कभी भी दीवार पे उनका फोटो ना चिपकाएं, क्योंकि वास्तु शास्त्र के हिसाब से मूर्ति में या भगवान की फोटो में हमेशा दीवार से कुछ दूरी बनी रहनी चाहिए। अगर आप माता के सरस्वती स्वरूप का पूजन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या माता काली का मूर्ति भी घर में, अगर आप उनमें श्रद्धा रखते हैं, आपकी इच्छा है माता काली की पूजा करने की, तो वो भी आप रख सकते हैं। केवल कुछ नियमों का ख्याल रखना होता है। माँ काली की प्रतिमा अगर आप घर में रख रहे हैं तो हमेशा कोई गुरु धारण करें, ताकि वो जो ऊर्जा माता काली की पूजा से आपको प्राप्त हो वो सही दिशा में लग सके और किसी भी प्रकार का कोई दोष आपको ना लगे। अगर आपको मन में भय लगता है, आपको घबराहट होती है, या शत्रु बहुत ज्यादा है, या नकारात्मकता आप अपने आसपास बहुत महसूस करते हैं, तो ऐसे में माता काली का ही आपको पूजन करना चाहिए, उनकी मूर्ति ही घर में लगानी चाहिए। अगर आप माता दुर्गा को घर में स्थापित करना चाहते हैं तो नवरात्रि उसके लिए बहुत शुभ है। आप अष्टमी तिथि का चुनाव कर सकते हैं या फिर शुक्रवार को, किसी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को भी ये अति शुभ कार्य कर सकते हैं। माता सरस्वती को घर में लाना चाहते हैं तो वसंत पंचमी या बुधवार के दिन कर सकते हैं। माता काली की प्रतिमा को स्थापित करना चाहते हैं तो वो भी आप मध्य रात्रि में शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, या नवरात्रों का चुनाव भी उसके लिए कर सकते हैं। माता रानी को हमेशा ही लाल रंग के वस्त्र पर बैठाएं, उसी पर उनकी मूर्ति को स्थापित करें और नियम पूर्वक सुबह और शाम उनकी पूजा अवश्य करें। इसके साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी मूर्ति ले तो वो आपके अंगूठे से छोटी नहीं होनी चाहिए और आपका जो हाथ है, पूरी हथेली है, उससे बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों को मंदिर की दिशा का भी पूर्णतः ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण उनको काफी दोष झेलने पड़ते हैं और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपने घर के अंदर मंदिर बनाना चाहते हैं तो बेस्ट जगह है ईशान को, और यदि यहाँ पर मंदिर ना बना सके तो आपका मुख जो है वो पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर या उत्तर की ओर होना चाहिए। मंदिर में व्यक्ति को हमेशा ही चल प्रतिष्ठा करनी चाहिए, यानी कि कभी भी अपने घर के मंदिर में मूर्तियों को आपने फिक्स नहीं करना है। ऐसा नहीं है नीचे से आप चिपका दें या उनको सीमेंट से पूरा बंद कर दें, उनको जोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको लूज ही रखना चाहिए, चल प्रतिष्ठा में रखना चाहिए, ताकि आप उनको स्नान इत्यादि करा के वापस उनके स्थान पर रख सकें। आप चांदी की मूर्ति ले सकते हैं, पीतल की मूर्ति ले सकते हैं, लेकिन वो अंदर से ठोस होनी चाहिए, या मिट्टी की भी ले सकते हैं, लेकिन अंदर से हमेशा खोखली मूर्ति को पूजा नहीं करते हैं। मंदिर को कभी भी सीढ़ियों के नीचे ना बनाएं। अगर सीढ़ियों के नीचे आपका मंदिर पड़ेगा, लोग उसके ऊपर से पैर करके जाएंगे आएंगे तो भी भयंकर दोष लगता है। आपके मंदिर के आसपास कोई कूड़ेदान की बाल्टी नहीं होनी चाहिए तो भी भयंकर दोष लगता है। आप किचन या किचन के आसपास भी मंदिर को ना बनाएं, क्योंकि किचन में आप झूठे बर्तन रखते हैं। कई लोगों के घर में तो हमने देखा है नॉनवेज भी बन रहा है और वहां भगवान का मंदिर भी है, तो ऐसी स्थिति में आपको दोष जरूर लगेंगे और आपके जीवन में अच्छे समय में भी आपको कभी भी उसका फल नहीं मिलेगा। साथ ही कभी भी जहां आप सोते हैं, जो बेडरूम है आपका, जो शयन कक्ष है, उसके अंदर भी मंदिर को ना लगाएं। कई बार होता है कि आपके पास स्थान ज्यादा नहीं है, जगह ज्यादा नहीं है, उस स्थिति में हमेशा ही पर्दे की व्यवस्था करें कि मंदिर में पर्दा हो, उसके बाद ही आप वहां पर सोएं। वरना कोशिश यही होनी चाहिए कि मंदिर आपका दूसरे कमरे में हो, नहीं तो आप कोई ऐसी व्यवस्था बना लें कि वो सेपरेट हो जाए, वहां से वो मंदिर जो है उसका स्थान जो है वो अलग हो जाए। बाथरूम के बगल में, बाथरूम वाली जो दीवार है उस पे कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए। मूर्ति जब भी लेकर के आए, या मान लीजिए आपके घर में मूर्ति है, आप उनका पूजन कर रहे हैं और वो कहीं से झड़ गई है, टूट गई है, ऐसे में तुरंत ही इसको जल प्रवाह कर दें। ऐसी मूर्ति को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। मूर्ति को कभी भी एकदम कोने में ना रखें, कोशिश करें कि दीवार से एक इंच आगे या उससे भी आगे आपकी मूर्ति हो। अपने पूर्वजों की, अपने पिताजी, माताजी, अपने पितरों की, अपने दादाजी की, नाना जी की, इनकी तस्वीरों को मंदिर या पूजा घर में कभी भी ना रखें। अगर आप लगाना चाहते हैं तो घर के दक्षिण दिशा में उनकी फोटो लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी मंदिर में ना रखें, क्योंकि वो आपके लिए जरूर पूजनीय है लेकिन अभी देवताओं की समकक्ष नहीं है, वो भगवान की समकक्ष नहीं है, तो इसीलिए मंदिर में उनकी पूजा नहीं होती है।
जब भी आप मंदिर बना रहे हैं तो मूर्तियां जहां है उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। आपको मूर्तियों के ऊपर कभी भी कुछ नहीं रखना है। मंदिर को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखें, हमेशा उसकी सफाई करें, हमेशा जो मुरझाए हुए फूल है वहां ना छोड़ें, जो दीप जो आपका प्रज्वलित किया था आपने वो बुझ गया है, उसकी रुई की बत्ती वहां पड़ी है उसको भी नियम पूर्वक हटाते रहे। साफ सुथरा मंदिर हमेशा होना चाहिए। जय शनिदेव। आप सभी की समस्याओं का निवारण करने के लिए अपने 10 वर्षों की साधना, तपस्या और अनुसंधान के बाद मैं गुरु मार्गमनी लाई हूँ आप सबके कष्टों को दूर करने के लिए मंत्र सिद्ध सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट। नौ रत्नों वाले इस लॉकेट को अपने गले में धारण करने से आपको समस्त नौ ग्रह शुभ फल प्रदान करने लगते हैं और नीचे लगी ये जो दिव्य कर्क कौड़ी है जब ये आपके शरीर को स्पर्श करती है तो ऋग्वेद की श्री सूक्त की जो ऋचाएं हैं और लक्ष्मी मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण ये आपके जीवन की सभी धन संबंधी समस्याओं को दूर करती है, कर्जों से मुक्ति दिलाती है और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर के आती है। बाजार में मिलने वाले अन्य रत्नों की अंगूठियां और लॉकेट किसी सिद्ध पुरुष द्वारा 3 दिन तक मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत नहीं होते हैं। इसी कारण इस कलयुग में बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिन्हें सच में रत्नों का प्रभाव महसूस होता है। हमारे द्वारा मंत्र सिद्ध रत्नों से हम 133 देशों के लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि भर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल गुरु रजनीश जी जी जिसपे आज 19 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वहां पर जाकर के आप ऐसे चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त किए हुए हजारों लोगों का वीडियो देख सकते हैं। मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट को प्राप्त करने के लिए हमारे शनिपीठ मंदिर नई दिल्ली में अभी कॉल करें या हमें व्हाट्सएप करें। जय शांति। एक प्रश्न बार बार लोगों के मन में ये भी आता है कि हम अपने मंदिर में कौन से देवी देवता को लगाएं? कहीं ऐसा तो नहीं हम बहुत सारे देवी देवता लगा रहे हैं इसलिए दिक्कत आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई देवी देवता छूट तो नहीं रहे जिसकी वजह से वो दिक्कत आ रही है? तो इस बात का ध्यान रखें, कम लगाने से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ ज्यादा लगाने से दिक्कत जरूर होगी। घर के मंदिर में कहते हैं कि पंचदेव, हमारे हिंदू धर्म में पंचदेवों का पूजन किया जाता है। पंचदेव कौन है? भगवान श्री गणेश हो गए, भगवान विष्णु, माता दुर्गा, शिव और सूर्य। पंचदेवों का पूजन करना बहुत जरूरी होता है किसी भी गृहस्थी के लिए। इन पंचदेवों का पूजन जरूर करें। अगर आपके इष्ट देव मान लीजिए भगवान विष्णु है तो उनको सेंटर में रख सकते हैं, बाकी सभी देवी देवताओं को आसपास रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके जो इष्ट है वो शिवजी है तो शिवलिंग को बीच में रखते हुए बाकी सभी देवताओं को आसपास रख सकते हैं। इस प्रकार से आप रखेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमेशा कोशिश करें आपके मंदिर में एक भगवान का, एक देवी देवता का एक ही चित्र हो या एक ही मूर्ति हो। बहुत सारी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। और मान लीजिए किसी धार्मिक स्थान पे आप गए हैं, वहां से आपको कोई फोटो मिलता है वो भी लेकर के आप मंदिर में रख देते हैं, वो ये सब आपको नहीं करना चाहिए। एक देवी देवता का एक ही मूर्ति मंदिर में होना चाहिए। मंदिर कभी भी ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग खड़े होकर के पूजा करना पसंद करते हैं, लेकिन खड़े होकर पूजा का विधान नहीं है। आप मंदिर को हमेशा मध्य में रखें, इतना कि आपके भगवान जी के जो पैर हैं, उनके जो चरण है वो आपके हृदय तक आए, इतने ही लेवल पे हमेशा आपको बैठ के पूजा करनी चाहिए। मंदिर भी इसी लेवल पे होना चाहिए। मंदिर की जो दीवार है आप उसको हल्के रंगों से ही रंगे, पीला हो सकता है, गुलाबी हो सकता है, हरा हो सकता है। मंदिर में आप पीले रंग का कपड़ा बिछा करके मूर्तियां रखें तो ये भी बहुत शुभ होता है। भगवान को हमेशा ताजे फूल ही चढ़ाएं, मूर्तियों को हमेशा ताजे फूल चढ़ाएं, प्लास्टिक के फूलों को ना चढ़ाएं। जब भी देवी देवताओं का पूजन किया जाता है तो आपको अपने मन को शांत करने के लिए पहले बैठ करके वहां पर भजन करना चाहिए। आप भगवान का नाम भी ले सकते हैं या भजन सुन भी सकते हैं। 5 मिनट करिए, उसके बाद ही पूजा पाठ शुरू कीजिए। ऐसा करने से आपका मन ज्यादा लगेगा और आपके मंदिर में भी जो वाइब्रेशंस है, जो एनर्जी है वो और ज्यादा बढ़ने लगेगी। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम सुधीर सिंह है और मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था, तनाव था, कर्ज का भी प्रेशर था एक तरह से, और कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। लेकिन माता रानी की कृपा हुई कि गुरु रुक्मिणी माँ का मैंने वीडियो देखा, मैंने जीवन की जितनी भी समस्या थी मैंने गुरु माँ से शेयर किया। गुरु माँ ने कुछ विधियां, कुछ उपाय बताए, उसमें से एक था कि
भगवान शनिदेव को अपने यहाँ स्थापित करना है। मैंने स्थापित किया और जो सबसे चमत्कारिक चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये रहा कि जिस दिन मैंने भगवान शनिदेव को स्थापित किया चमत्कारिक रूप से वो मेरा लोन जो है वो मैनेज हो गया और जो तनावपूर्ण माहौल चल रहा था वो पूरी तरह से अब खुशहाल दिशा में अग्रसर है और जीवन में बहुत सारी चीजें सकारात्मक हुई है और जो जो गुरु माँ कहती हैं जो आदेश होता है वही मानकर मैं पूरे श्रद्धा भाव से कर रहा हूँ और आने वाला जो समय है मुझे पता है कि जीवन में बहुत बड़ा होने वाला है ऊर्जा के साथ कैरियर के साथ। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप गुरु माँ से एक बार जरूर मेरी गुरु रुक्मणी माँ से आप शेयर करिए, निश्चित रूप से समाधान मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मेरा नाम अंगद चौरसिया है, मैं यूपी के जिला सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूँ। कि मैं और मेरा परिवार 9-10 साल से काफी बीमार और परेशान रहता था, जहाँ जिसने जो बोला वहाँ पर गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो गुरु जी के कथनानुसार मैं पूजा पाठ करता रहा, बहुत अड़चने आई लेकिन मैंने पूजा पाठ नहीं छोड़ा और आज पूजा पाठ के ही माध्यम से मैं मेरा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। मंदिर में हमेशा ही घी का दीपक जलाएं, घी का ना हो तो तेल का जला सकते हैं लेकिन सरसों के तेल का दीपक ना जलाएं। मंदिर में सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाया जाता है, आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं या फिर घी का दीपक जला सकते हैं। घी के दीपक को आप अपनी बाई ओर ही रखें और तेल का यदि दीपक जला रहे हैं तो उसको दाई ओर रखें। कभी भी पूजा में अगरबत्ती का उपयोग ना करें क्योंकि हिंदू धर्म में बांस को जलाना निषेध है, बांस नहीं जलाया जाता है और बहुत से लोग हैं अगरबत्तियां जला रहे हैं। तो धूप बत्ती जलाओ, अगर जलाना है तो अगरबत्ती बिल्कुल मत जलाओ, लेकर ही मत आओ घर में। एक और बहुत खास बात है जिसके कारण बहुत से लोगों को मंदिर के कारण भी घर में दोष होता है, हम मंदिर के अंदर बहुत सारा सामान रख देते हैं। मंदिर के अंदर आप मान लीजिए नीचे आपके कोई कबर्ड है, कोई ड्रॉर है, उसके अंदर न जाने कितनी बेकार की चीजें पड़ी हुई हैं। कोशिश कीजिए हमेशा साफ सुथरा बना रहे, पूजा पाठ के सामान के अलावा उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप उसमें धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक किताबें रख रहे हैं या अपने मंदिर के आसपास आपने धार्मिक ग्रंथ या किताबें रखी हैं, केवल वही रखें जो आप पढ़ते हैं, जिसका पाठ करते हैं। अगर आप किसी का पाठ नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी उस ग्रंथ को वहां ना रखें, कहीं और संभाल करके रख सकते हैं, लेकिन मंदिर में केवल वही रखें जिसको आप पाठ करते हैं। क्योंकि धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं वो पढ़ने के लिए होते हैं, केवल उनकी पूजा करने के लिए नहीं होते हैं। हमको मंदिर में जल का कलश भी जरूर रखना चाहिए, पीतल का या तांबे का जल का कलश रखिए और उसके अंदर आपने साफ जल हमेशा भरना है। रोजाना जल को बदलिए और उस जल को वहां पर रख दीजिए, ये आपकी बाई तरफ को कलश रखा जाएगा। जब भी पूजा करें नीचे आसन लगा करके ही पूजा करें, नीचे कोई चटाई, कोई चादर नहीं तो आसन कुछ ना कुछ जरूर बिछाएं, उसके ऊपर बैठे और अपने सर को भी हमेशा ढके, चाहे आप लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, सर को ढकना भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम पत्थर को क्यों पूजें, पत्थर को पूजने से क्या होगा, काम करने से कर्म करने से ही तो हमें फल मिलता है, पत्थर की पूजा करना व्यर्थ है। इस प्रसंग में एक बहुत सुंदर मुझे बात स्वामी विवेकानंद जी की एक कथा याद आती है। एक दिन स्वामी विवेकानंद एक राजमहल में पहुंचे, वहां के राजा ने उनसे कहा कि मुझे तो ये धर्म कर्म कुछ समझ में आता ही नहीं, आप लोग पत्थरों को पूजने को कहते हैं, पत्थर को क्यों पूजें, पत्थर पूजने से थोड़े ही हमें कुछ मिल जाएगा, कुछ मिलेगा तो हमारे कर्म करने से। ये सुनकर के स्वामी जी ने जब इधर उधर अपनी निगाह दौड़ाई तो वहां उस राजा के पिताजी का चित्र लगा हुआ था, फोटो लगा हुआ था। स्वामी जी ने कहा कि महाराज क्या आप इस फोटो पर थूक सकते हैं। राजा बहुत गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया, मेरे पिताजी पर मैं कैसे थूक सकता हूँ। स्वामी जी ने कहा अरे ये पिताजी कहाँ है, ये तो केवल कागज है, कागज पे कुछ रंग छिटक दिए गए हैं, कुछ रंग चिपका दिए हैं, ये आपके पिताजी थोड़े ही हैं, पिताजी तो आपके गुजर चुके हैं, तो इसको थूकने में क्या दिक्कत है। राजा को कुछ कुछ बात समझ में आई,
स्वामी जी ने और आगे समझाया कि जिस प्रकार से इस फोटो को देख करके आपको अपने पिताजी का स्मरण होता है, आपको इस फोटो में अपने पिताजी दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से भक्तों को मूर्ति में, पत्थर में उस परम ईश्वर का ही दर्शन होता है, इसीलिए मूर्ति पूजन किया जाता है। अब ये तो मैंने बहुत सारे नियम कानून आपको बता दिए, लेकिन मान लो अगर कोई व्यक्ति है अपने किसी मजबूरी के कारण इन नियमों का ठीक से पालन नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको एक छोटा सा मंत्र बता रही हूँ, हर पूजा के बाद उस मंत्र को जाप कर लेना। मंत्र ना बोल सको तो अपनी सरल भाषा में बोल लेना। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि छमस्य परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत् पूजितम महादेव परिपूर्ण तदस्तु मे। हे प्रभु, ना तो हम आपका आवाहन करना जानते हैं, ना ही हम आपका विसर्जन करना जानते हैं, ना ही हम भक्ति जानते हैं, ना क्रिया जानते हैं, ना मंत्र जानते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते, अज्ञानी हैं। हो सकता है इस पूजा में बहुत सी गलतियां रही हो, बहुत सारी भूल रही हो, लेकिन आप बड़े हैं, हमारे परम पिता है, हमको इन सभी गलतियों के लिए माफ करें, क्षमा करें। आप मंत्र बोल सको तो मंत्र बोल लेना, नहीं बोल सको तो सरल भाषा में क्षमा प्रार्थना कर लेना। जो भी भूल चूक दोष हो रहा होगा उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। आपके गुरुदेव का फोटो भी मंदिर में अवश्य होना चाहिए, और पूजा शुरू करने से पहले अपने गुरुदेव का गुरु मंत्र हमेशा ही जप करें, क्योंकि जो भी मंदिर का दोष होता है, जो भी पाठ पूजा में कमी रह जाती है, गुरु के आशीर्वाद से वो हमेशा ही पूरी होती है। इसीलिए गुरु को नमन करके ही व्यक्ति को अपनी पूजा संपन्न करनी चाहिए। आज के इस वीडियो को यही समाप्त कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद देती हूँ। भगवान आपको सुख शांति दे, आपके घर में किसी प्रकार का दोष ना हो, किसी प्रकार की कोई कलह कलेश ना हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव। हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।